हाय गाइस, वेलकम टू टेक विद करती यूट्यूब चैनल। सो यार, आप लोगों को पता ही हो कि आज ये डेवलपर वीडियो आनी थी एंड आ भी चुकी है 6:30 बजे शाम को क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल चैनल पर आ चुकी है। अगर नहीं देखे तो ये देख लेना एक बार आप, उसमें भी आपको बता दूंगा एंड उसको यार मैं सारा एक्सप्लेन करके बताता हूँ उसमें क्या क्या आना है। आपने अगर देखा होगा डेवलपर सर्वर में नीचे की साइड एक लेफ्ट की साइड एक ऑप्शन नहीं आने वाला था, उसके अंदर ये है जो सारी चीज़ आने वाली है। काइंड ऑफ हमारी जैसी क्लैन गेम्स थी ना, उसी तरीके की एक चीज़ न्यू आने वाली है। उसमें भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे भाई, बहुत कुछ आने वाला है, हीरो स्किन वगैरह बहुत कुछ आने वाला है यार। सो गाइस, वीडियो पूरी देखना एंड आज के लिए वीडियो को लाइक एम रखते भाई 50 लाइक यार, 50 लाइक जरूर से कंप्लीट करवा देना यार। बहुत बड़ी अपडेट्स आने वाली है एंड हीरो स्किन तो मजा आ जाएगा देख के। एंड यार, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो एंड बाजू वाला बेल आइकन जरूर से दबा दो, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ्यूचर में उसकी नोटिस आपको मिलती रहेगी। एंड यार, कोशिश करते हैं कि मार्च खत्म होने से पहले भाई 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देते हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो हो जाएंगे सब्सक्राइब सर बंदे कर देना एंड बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो चलो यार, अगली वीडियो को फिर शुरू करते हैं एक बार। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो यार, जो न्यू ऑप्शन हुआ है लेफ्ट साइड में टास्क का ऑप्शन है, इसके अंदर अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारे टास्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो जो न्यू हम जैसे क्लैन गेम्स आती थी ना हमारी, उसी टाइप में ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उसी तरीके का इंटरफेस है। एंड लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आपने लिखा हुआ डेली चैलेंज लिखा है एंड राइट साइड में लिखा हुआ एक्टिव चैलेंजेस। डेली वाले हम डेली कंप्लीट करेंगे एंड एक्टिव वाले वो मंथ में आएंगे, मतलब सीजन जब एंड वगैरह हो रहा होगा। सो आपको डेली वाले अगर कंप्लीट करोगे तो डेली रिवॉर्ड्स मिल जाएगा करेंगे इसमें। एंड जो ये वाले एक्टिव चैलेंजेस हैं, ये आपको जब सीजन एंड हो जाएगा उसके बाद मिला करेंगे। एंड इसके अंदर इतने सारे चैलेंजेस हैं, टोटल 24 चैलेंजेस हैं वाले, जो कि एक्टिव चैलेंजेस होंगे, सिर्फ 24 चैलेंजेस होंगे। एंड इधर वाले 3-4 जो भी थे वो हैं। अगर आप ये वाले सब कंप्लीट करोगे तो कर दोगे, उसके बाद रिवॉर्ड्स आपको यार बहुत बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं। एंड इसमें यार दो पास होने वाले हैं, एक होने वाला सिल्वर पास, एक होने वाला गोल्ड पास। सिल्वर पास होने वाले मतलब उसमें थोड़े कम रिवॉर्ड्स, में क्या कह सकते हैं कि लो रिवॉर्ड्स बोल सकते हैं, जिसको हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होंगी बट होंगी उसमें भी, जैसे मैजिक आइटम्स वगैरह हो सकते हैं उनमें, छोटी मोटी चीज़ें होंगी। एंड अगर आप गोल्ड पास आपको खरीदना पड़ेगा, वो अपने असली पैसों से मतलब खरीदना पड़ेगा, लगभग 400 रुपये के आसपास मिलेगा वो आपको, जो मैंने बताया डॉलर में लिखा होता है उस टाइम, मेरे को याद नहीं कितना था, 4 पॉइंट कुछ डॉलर था। सो वो 400 रुपये के आसपास बन रहा था। सो 400 रुपये के आसपास आपको ये खरीदना पड़ेगा गोल्ड पास, जो कि होगा अगर आप ये खरीद लोगे तो उसके बाद ही आपको हीरो स्किन देखने को मिलेगी, जो कि बारबेरियन किंग की, गैलीलेटर बारबेरियन किंग, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर ये वाली भाई बहुत बंदों ने अगर खरीदा इनकी मतलब सही चली है चीज़, तो ये हो सकता है फ्यूचर में क्वीन की भी निकालेंगे। मेरे हिसाब से निकालनी तो चाहिए भाई, किंग की निकाल ले तो क्वीन की जरूर से निकालेंगे एंड क्वीन ज़्यादा बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। किंग की भी बढ़िया है बट क्वीन की यार अलग ही, क्वीन बंदे यार अलग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, किंग इतना यूज़ नहीं करते होंगे, क्वीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे रिवॉर्ड्स में आपको ये सब मिलेंगे, जिसमें कि एक 1 जेम डोनेशन वाला रिवॉर्ड होगा, जिसमें आप मतलब 1 जेम से डोनेट कर पाओगे एंड 10% ये बिल्डर पोर्शन, मतलब 20% बिल्डर पोर्शन, मतलब एक तरीके से 20% कम डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो चीज़ अपग्रेड करोगे उस चीज़ की कॉस्ट भी 20% डिक्रीज हो जाएगी। एंड ये सारे आपको जो रिवॉर्ड दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे आने वाले हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेरे को लगी भाई हीरोज़ की नहीं लगी होगी, क्योंकि न्यू चीज़ है यार, न्यू चीज़ सबको बेस्ट लगती है। हीरो मतलब बुक ऑफ हीरोज़ वगैरह भी है इसमें, जिसके ऊपर है गोल्ड का साइन बना हुआ है ना, ये मतलब आपको पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इसके टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको ये वाले रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मतलब ये नहीं कि आपने अगर खरीद लिया तो आपको फ्री में स्किन मिल रही है, आपको उसके बाद इसके टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन आपको ये मिलेगी। बहुत बंदे खरीदेंगे, बहुत बंदे नहीं खरीदेंगे, मैं देखता हूँ, अगर जो जो खरीदेगा वो कमेंट में बता देना और जो जो नहीं खरीदेगा वो भी कमेंट में बता देना एक बार। खरीदने में देखा जाए तो यार बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इतनी सारी अगर चीज़ें हम वैसे शॉप से खरीदेंगे तो बहुत महंगी पड़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। एंड ये 400 या 300 रुपये में जो भी आसपास पड़ेगी, मेरे को अभी प्राइस इसकी कन्फर्म नहीं हुई, वो आने वाले टाइम पर पता लग जाएगी। एंड ये जो 1 जेम डोनेशन वगैरह है, ये मतलब पूरे एक सीजन चलेगा, जब आप खरीद लोगे तो पूरे सीजन ये चीज़ चलेगी। 1 जेम डोनेशन मतलब आप डेली कर सकते हो पूरे सीजन में, जब मर्जी करना चाहो, ये जो सारे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे गोल्ड टायर के अंदर होंगे। एंड यार एक ऑप्शन और ऐड, मतलब एसी के अंदर एक चीज़ और ऐड होने वाली, जिसका कि नाम होने वाला सीजन बैंक। इसमें आप अगर जो सारे टास्क वगैरह कंप्लीट करोगे एंड इसके आपको गोल्ड वगैरह मिलेंगे, एलेक्जर मिलेंगे, डार्क एलेक्जर वगैरह की जो लूट होगी ना इसमें आपको, वो आपको जो सीजन एंड होगा आपको एक साथ सारी मिलेगी। मतलब आपको स्टोरेज में एक तरीके से ट्रेजरी होती है ना हमारी कैलकुलेशन में, उसमें ऐड नहीं होने वाली ये चीज़ें, आपको जब सीजन एंड हो जाएगा आपको डायरेक्ट उसी में से कलेक्ट हो जाएगी, मतलब क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप सारा कलेक्ट कर सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चन है जो कि अपडेट रिलेटेड है, आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो इस क्वेश्चन में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको सारा समझ आ जाएगा, जो जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे इसी क्वेश्चन में होंगे मेरे को लग रहा है। इससे पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग आर द सीजन, मतलब ये कब तक सीजन चलेगा। द सीजन स्टार्ट और द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब 1 तारीख से चलेगा, ऑन द वे ऑफ द लास्ट द कैलेंडर, मतलब हमारे जो भी मंथ का लास्ट डेट होता है 30 का हो तो 30 में चलेगा, 31 का होगा तो 31 तक चलेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इस दिस इज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस, इट्स कंसल लिखा हुआ है, नो इस सीजन इज अ कंप्लीटेड ऑप्शनल एंड एंटर रूरल वांट टू अपग्रेड टू द गोल्ड टायर, मतलब आपकी मर्जी, आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो गोल्ड टायर वाला, अगर मर्जी नहीं तो नहीं भी खरीद सकते। एंड थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट डू आई मिस आउट ऑन इफ आई स्टे एट द फ्री सिल्वर टायर, योर गेम प्ले विल रिमेन कंप्लीटली अनचेंज्ड,
You will be get the tier rewards, but you will won't completely all the tiers get full rewards, including hero skin. You will भाई मेरे को वाला क्वेश्चन सही बताऊँ समझ नहीं आया ढंग से. अगर आपको आ गया तो समझ मतलब लिख देना कमेंट में क्या था इसका मतलब. एंड लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है आर मोर द हीरो स्किन्स कमिंग मतलब और स्किन्स कमिंग आने वाली है. इसमें लिखा हुआ येस वी आर एडिंग डिफरेंट हीरो स्किन्स एवरी सीजन मतलब हर सीजन ही अलग अलग हीरो की स्किन देने वाली है. देयर विल बी न्यू स्किन्स ओवरचर क्वीन एंड ग्रैंड वार्डन मतलब हो सकता है नेक्स्ट सीजन ये अर्चर क्वीन की दे दें उससे अगले सीजन ये ग्रैंड वार्डन की दे दें. इस तरीके से उन्होंने तो लिख रखा है. एंड थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू आई अपग्रेड गोल्ड टायर मतलब इसको लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई आपको ये खरीदना पड़ेगा अपने असली वैसों से. यहाँ पर उन्होंने प्राइस मेंशन कर दिया कि कितने रुपए का आएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है द गोल्ड टायर कैन बी परचेज $4.99 मतलब ये 350 रुपये अपने अगर हमारे रुपीज़ में देखा जाए 350 रुपये के इसके आसपास में आ जाएगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है. अगर नहीं और तो एक बार देख लेना गूगल पे आ जाएगा वहाँ पे लिख के. हाउ लॉन्ग डज द लॉन्ग टायर लास्ट मतलब ये अगर हम खरीद लेंगे गोल्ड टायर तो कब तक रहेगा. इसमें लिखा हुआ है वंस यू अपग्रेड टू गोल्ड टायर इट लास्ट ऑफ द एंटायर सीजन फ्रॉम द डेट ऑफ द अपग्रेड मतलब ये लास्ट मतलब एक तारीख को हमने इसे खरीदा तो नेक्स्ट सीजन की एंड डेट तक चलेगा जो कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है. हर महीने भाई कौन पैसे लगाएगा. चलो देखते हैं चीज़ बाद में जब आता है जब का जब देखेंगे. एंड नीचे वाला क्वेश्चन तो हमने पहले पढ़ ही लिया था सो आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड ये तीन क्वेश्चन लिखे हुए इनमें से हमने स्टार्टिंग ही तो पढ़ ही लिया था मतलब पहला वाला जो ऊपर था वो मेरे को समझ नहीं आया था. आप कमेंट में लिख देना अगर इसको मतलब समझ आ गया मेरे को तो नहीं आया. एंड सेकंड वाला हमने पढ़ ही लिया. एंड थर्ड क्वेश्चन लास्ट वाले इसमें लिखा हुआ इज दैट वाई बर्विन किंग अर्चर को इन मॉडल्स लुक डिफरेंट मतलब आपको मैंने एक चीज पहले दिखाई थी कि इनका मतलब जो 3D ग्राफिक्स ही वो चेंज हो रखी है. उन्होंने सही है करेक्ट वी हैड कन्वर्ट देम टू 3D मॉडल्स टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स हाँ मतलब डिफरेंट स्किन्स मतलब इन्होंने थोड़ी सी 3D में चेंज कर रखा है वही चीज़ है यहाँ पर. सो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो कि अपनी न्यू बार्विन किंग की स्किन है जो कि बढ़िया लग रही है यार एक नंबर की स्किन है. एंड आपको टास्क वगैरह कंप्लीट करने पड़ेगा एंड स्किल यार में ये चीज़ें खरीदना पड़ेगा ये जो भी 350 रुपये लगा के ये चीज़ सही नहीं लगी यार. हर महीने भाई कौन कर दिया कुछ पता नहीं. वैसे देखते हैं जो होगा आगे पता लग जाएगा. सो ये थी आज के लिए वीडियो वाइज अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना. आज के लिए वीडियो लाइक रखते हैं 50 लाइक्स के लिए. एंड आई होप मैंने सारे आप लोगों के डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर दिए. अगर कोई मतलब रह गया डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका. एंड ये अपडेट आने वाली है गाइस 1 अप्रैल को आने वाली है. इसी डेरियन ने कन्फर्म कर दिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. कन्फर्म तो नहीं कहूँगा भाई क्योंकि डेरियन थोड़े मजे लेता है तो कन्फर्म नहीं कह सकते कि आने वाली है. वैसे हो भी सकता है आ जाए इन्होंने जो बताई है 1 तारीख लास्ट में उनकी डेवलपर वीडियो देखना थोड़े से मजे से ले रहे हैं वो एक बार वो देख लेना आपको पता लग जाएगा. वैसे जो उन्होंने डेट बताई वो 1 तारीख बताई है. मे भी 1 तारीख को आ जानी चाहिए क्योंकि उसी दिन से सीजन स्टार्ट होने वाला है. सो हो सकता है उसी तारीख को आ जाए. सो ये थी आज की वीडियो. इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना. चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना. बेल आइकन को जरूर से दबा देना. 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना. तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.